हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो चलो पढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक है कि कानून अंधा क्यों है। आपने कई बार सुना होगा अंधा कानून, और कई बार आपने सुना है, मूवीज़ में सुना है, कई जगह सुना होगा। और एक चीज़ और सुनी होगी कि कानून की देवी। तो कभी सोचा है कि ये स्टैचू जो है क्यों है, ये कोर्ट में क्यों रखी जाती है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, क्यों बोला जाता है, इन चीज़ों के बारे में क्या मीन्स है इस स्टैचू का। तो हमने हमेशा हिंदी मूवीज़ में देखा होगा कि ये स्टैचू हमने हमेशा देखी है। कहते हैं अंधा कानून, पट्टी बंदी है तेरी आंखों पे, बहुत सारे डायलॉग्स हैं इसके लिए। तो इनके बारे में जानते हैं कि कहते क्यों हैं और ये हैं कौन। देखो, सबसे पहले बात, अगर ड्रेसिंग सेंस की बात मैं करूं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये इंडियन नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय कल्चर जो है, वहाँ का जो ड्रेसिंग है वो कैसा है, साड़ी का कल्चर है, ठीक है। लेकिन इनका जो ड्रेसिंग सेंस आप देख पा रहे हैं वो इंडियन नहीं है, तो ये चीज़ भी इससे प्रूफ होती है कि ये इंडियन नहीं है। दूसरी बात, इनके लिए दो स्टोरीज़ हैं। दो कौन सी स्टोरीज़ हैं? देखो, पहली स्टोरी की अगर मैं बात करूँ, तो पहली स्टोरी ये है कि प्राचीन रोम में, पुराने टाइम में रोम में न्याय की देवी थी जस्टिसिया, ठीक है। उनके हाथ में तराजू, दूसरे हाथ में दोधारी तलवार और आँखों पर पट्टी बंधी थी। तो वो स्टैचू कह सकते हैं कि वो हैं ये। एक स्टोरी इनके लिए और है, गूगल करेंगे तब भी आपको मिल जाएगी। कहते हैं कि पौराणिक कथाओं के बेस पर डिक्की की कहानी पर ये आधारित है, ठीक है, जिनके हाथ में तराजू लिए दर्शाया गया था, और ये ज्यूस की पुत्री थी और मनुष्यों का न्याय करती थी, तो इसलिए इनको कोर्ट में रखा जाता है। ये दो स्टोरीज़ हैं, लेकिन मुझे पहली वाली ज़्यादा ट्रू लगती है, क्योंकि इनके हाथ में जो जो चीज़ें हैं वो सिंबल्स इसमें दिखाए गए हैं, तो इस बेस पे इनको रखा गया है क्योंकि ये न्याय करती थी और न्याय की देवी, इसलिए इनको कहा जाने लगा। तो ये लोगों का न्याय करती थी, इसलिए कह सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर इनको रखा हुआ है, न्याय की देवी इसलिए कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इनके हाथों में जो चीज़ें हैं वो क्यों हैं, क्या मीन्स है उन चीज़ों का, क्योंकि हर एक चीज़ का कोई ना कोई मीन्स तो होता है, बिना मीन्स के तो कोई चीज़ नहीं होती। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनके हाथ में तराजू क्यों हैं, इनकी आँखों पे पट्टी क्यों है। देखो, अगर मैं बात करूँ तराजू की, पहले पट्टी की बात करते हैं। पट्टी की अगर मैं बात करूँ, तो पट्टी का जो मीन्स है वो है कि न्याय करते समय किसी को ना देखना, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो सामने हो, बराबर न्याय करना। किसी को देखकर, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप न्याय कर रहे हैं या आप जज हैं कहीं पर, ठीक है, सोच के देखिए, तो अगर कोई अपना इंसान हम वहाँ पे खड़ा होता है कटघरे में, तो आपका एक पोलाइटनेस होता है उसके साइड में। तो इनका ये है कि आँखों पर पट्टी का मीन्स ये है कि मैं उसको ना देखूँगी, ना उसके हित में कोई न्याय करूँगी, न्याय वही होगा जो सच होगा, तो इसलिए ये पट्टी दर्शाई गई है। दूसरी बात है तराजू। तो तराजू का ये मीन्स है कि यह काम निर्भय होकर किया जाना चाहिए, ये इसमें किसी का भय ना हो, और इक्वल इसमें जो दोषी है, जो निर्दोषी है, उसको समान रूप से परख कर उसका उसके तरफ झुकाव ना हो कि किसी एक की तरफ झुकाव हो जाए, बराबर मात्रा में न्याय मिलना चाहिए। तो ये तराजू का मीन्स है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तलवार। इनके पास दुधारी तलवार भी है, उस चीज़ का क्या मीन्स है? देखो, तो तलवार का जो मीन्स है वो है न्याय और विवेक के संतुलन को व्यक्त करते हैं। जो उनकी तलवार है वो न्याय और विवेक के संतुलन को व्यक्त करती है। तो कुल मिला के ये है कि चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, इनको जो न्याय करना है ना वो इक्वल करना है। ऐसा नहीं है किसी की तरफ झुकाव इनका नहीं है। अब एक अपना पॉइंट रख लेते हैं, चलो मान लिया किसी की तरफ झुकाव नहीं है, ओके। लेकिन अगर आज के टाइम की अगर हम बात करें, तो जिसके पास ज़्यादा सोर्सेस हैं, जो ज़्यादा अमीर है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, न्याय उसका है, आप समझ सकते हैं, उसके पास ज़्यादा सबूत हैं, अच्छा वकील है। लेकिन जो गरीब है, उसके पास कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पास खुद का केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो गवर्नमेंट उसको केस जो गवर्नमेंट है वो उसको लॉयर प्रोवाइड कराती है। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि वो हमेशा केस हार जाते हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उनको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो प्राइवेट वकील किए जा रहे हैं उनको मेहनत करनी होती है, क्योंकि उनके बेस पर उनका पेमेंट है। तो आजकल का जो न्याय है ना, वो आँखों पर पट्टी बांध के नहीं किया जा सकता। यही है, इसको कहा जाता है अंधा कानून।
क्योंकि न्याय ऐसे नहीं है, क्योंकि आजकल जिसका पैसा उसका न्याय। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि ये अंधा कानून है। तो जस्टिसिया की जो स्टोरी है वो आपको बता दी कि ये जो स्टैचू है वो वहाँ पर क्यों रखा होता है और इसका मीन्स क्या है, उनके हर एक चीज़ का क्या मीन्स है। न्याय करते समय किसी को ना देखना, संतुलन, न्याय करना, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।